नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो देश की आवाज में हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं और उस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आज का मुद्दा हरियाणा प्रभारी अनिल जैन के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में अच्छा माहौल है, बीजेपी को प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अनिल जैन ने कहा कि हुड्डा ने चुनौती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक तंवर को दी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हुड्डा कोई चुनौती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विरोधी थोड़े तो मजबूत हों। वहीं पी चिदम्बरम को लेकर अनिल जैन ने कहा कि ये सारा देश जानता है कि ये कार्रवाई सरकार की नहीं सीबीआई की है। कांग्रेसी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। तो ये तमाम तरह के बयान यहाँ पर अनिल जैन ने दिए हैं और जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और उसमें कहा है कि विपक्ष थोड़े तो मजबूत हो, यानी कि उनका ये मानना है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर भी कहा है कि ये जो कार्रवाई है वो सरकार की नहीं है, सीबीआई ये पूरी कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार कर रही है वो जनता देख रही है। तो हरियाणा प्रभारी यहाँ पर अनिल जैन ने जो बयान दिया है, ये आज का मुद्दा है देश की आवाज में। आप भी हमें फोन कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो देश की आवाज में आज के कुछ सवाल हैं जो हमने उठाए हैं कि वाकई अगर अनिल जैन ने कहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है तो क्या हरियाणा में विपक्ष मजबूत नहीं है? आज का ये सवाल है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बीजेपी के आगे धराशायी हो गया है विपक्ष? ये भी आज का सवाल है। कमजोर विपक्ष कैसे बीजेपी से पार पाएगा? ये आज का सवाल है। क्या विपक्ष ने बीजेपी को वॉकओवर दिया है? क्या विपक्ष ने यहाँ पर बीजेपी को मौका दिया है या वॉकओवर दिया है? क्या हरियाणा में विपक्ष मजबूत नहीं है? ये आज के कुछ सवाल हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या बीजेपी के आगे धराशायी हो गया है विपक्ष और कमजोर विपक्ष कैसे पाएगा बीजेपी से पार? तो लगातार कई मुद्दों पर यहाँ पर अनिल जैन ने बात की है और विपक्ष पर वार किया है। तो आज के ये सवाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, फोन कर सकते हैं। लगातार फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और जो सवाल है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। अनिल जैन ने कहा है कि विपक्ष को थोड़ा तो मजबूत होना चाहिए, चुनाव नजदीक है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने एक्शन में नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है तो लोगों तक घर घर पहुंचकर अपनी योजनाओं को बताने की कोशिश कर रही है। तो इसी बीच यहाँ पर अनिल जैन ने बड़ा बयान दिया है विपक्ष को। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के लिए विपक्ष थोड़ा तो मजबूत हो जाए। तो अपनी राय आप हमें दे सकते हैं। तो एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बलदेव, जिन्होंने हमें सिरसा से फोन किया है। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या लगता है आपको, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इस मुद्दे पर? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, हरियाणा में इस समय विपक्ष मजबूत दिखाई नहीं देता, पर बीजेपी के खिलाफ वोटर मजबूत है। उनको एक विकल्प चाहिए। मनोहर सरकार से किसान, मजदूर, कर्मचारी दुखी है। कांग्रेस ने भारत को मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम के तौर पर बांट कर रखा था, उसी प्रकार मनोहर सरकार ने हरियाणा को जाट नॉन जाट में बांट कर रख दिया है। जिस प्रकार मोदी जी ने कांग्रेस के बंटवारे को तहस नहस कर दिया, उसी प्रकार ओपी चौटाला जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन हरियाणा से जाट नॉन जाट का अध्याय समाप्त करके जनता की आशाओं के अनुरूप शासन चलाएंगे। जहाँ तक हुड्डा साहब का है तो 18 तारीख की सभा से लोगों ने उनका दमखम देख लिया है कि उनकी जुबान कितनी धनी है। और ये अनिल जैन ये सिर्फ वो कर रहे हैं, अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, जबकि हरियाणा में विपक्ष इनको आने वाले चुनाव में दिखाएगा जो पिचोटाला की पार्टी भी क्या क्या है और कितनी ये सीटें जीतेंगे। ये सारा का सारा इन्होंने, मनोहर सरकार तो सिर्फ अपने पंजाबी और के लिए कर रही है, उन्होंने उनको न किसी दूसरी जाति से मतलब है, सिर्फ पंजाबी और पंजाबी जो पाकिस्तान से है उनके लिए ये कर रही है, बाकी किसी के लिए नहीं। दूसरों को तो ये बढ़ावा दे रही है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में वो पता लग जाएगा।
इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सिरसा से दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिसमें उनका मानना है कि विपक्ष मजबूत नहीं है और इसका खामियाजा उन्हें आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो आज के कुछ सवाल हैं जो लगातार हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज का मुद्दा भी जो है वो भी हम आपको बता देते हैं कि अनिल जैन ने जो बयान दिया, जिसमें अनिल जैन का ये कहना है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। तो गुरुग्राम से एक दर्शक ने हमें फोन किया है, सुधीर इनका नाम है। सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया ये है कि अनिल, हरियाणा में बीजेपी मजबूत है काफी, क्योंकि हुड्डा पे भी करप्शन के चार्ज हैं और पी चिदम्बरम पे, और उनके पीए रवीश कुमार और उनकी पत्नी उमा शंकर सिंह पर भी करप्शन के चार्ज है। उनकी सीबीआई उसकी पूछताछ कर रही है, तो वो दोनों तो घोटाले में लिप्त है। अब दूसरी पार्टी आती है चौटाला की पार्टी, वो भी मजबूत नहीं है। अब तीसरी पार्टी आती है केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी का हाल दिल्ली में बहुत बुरा हो गया, उसे एक भी सीट नहीं मिली। तो और उनके ऊपर पार्टी लोग भी, जैसे रुमाला एसआर खान उनकी पत्नी रुपका लिया पे भी करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं, सत्येंद्र जैन पे भी करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं। तो हर तरह दोनों सब तरफ करप्शन से घिरे हुए लोग हैं, और बीजेपी में ना तो खट्टर पे कोई करप्शन का चार्ज है पर्सनली, ना उनके किसी नेता पे करप्शन के चार्ज है। तो और दूसरी बात, जब तो यानी कि मतलब, और सरकारी जो नौकरी, सरकारी जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उसके कारण जनता में थोड़ा रोष है, वो भी मोदी जी ठीक कर देंगे अपनी नीतियों से, क्योंकि मोदी जी को 303 सीटें बीजेपी को, विधायक बीजेपी को मिली है लोग केंद्र सरकार के चुनाव में। हमें अनिल जैन का बयान बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो गुरुग्राम से दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिसमें उनका कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत है और जिसका फायदा उसे आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा। इन लोग भी अब दो फाड़ हो चुके हैं, इसके दो भागों में बट गई है, तो इसका नुकसान उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन पर मौजूद है, चेन्नई से प्रेम ने हमें फोन किया है। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम जी, मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि बीजेपी पूरे भारतवर्ष में ही मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, हरियाणा में नहीं खाली, लेकिन उनके शाम दाम दंड भेद जो अपनाते हैं उसके कारण से वो मजबूत है। किसी के घर को बिगाड़ना हो तो उसके घर में लड़ाई करवा दो, उसमें वो माहिर है, उन्होंने ऐसा कर दिखाया। अब हरियाणा में जो ये मजबूत हो या न हो विपक्ष, क्योंकि यहाँ कई विपक्ष हो गए हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये अकेले अकेले भी लड़ाई करेंगे तो इनका तो कुछ ना कुछ भला ही होगा और बीजेपी वालों का तो नुकसान ही होगा, क्योंकि बीजेपी वालों को पाने के लिए कुछ नहीं रह गया अभी वहाँ पे, उनको खोने के लिए ही है। अगर वो 10 सीटें भी खोते हैं, 20 सीटें भी खोते हैं, तो विपक्ष में जो अलग अलग पार्टी के भी आएंगे वो भी मजबूत रहेंगे। तो इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि भारतवर्ष की पूरी नहीं सोच के, ये खाली हरियाणा की सोच के कि भाई हरियाणा में बीजेपी वालों ने कुछ किया कि नहीं किया, यही जनता को अगर गिनाए और जनता समझ जाए तो ये बीजेपी वालों की सीटें कमती करा सकते हैं और वैसे अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, नहीं तो ये कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। क्योंकि बीजेपी वालों के पास जो एक मंत्र आ गया है कि लड़ाओ और उनको मारो, या उनके नेताओं को गिरफ्तार करो, या उनके नेताओं को एंड टाइम पर ऐसा करो, या एंड टाइम पर उस जगह जाके और कुछ बांटो, तो वो सब ये कर नहीं पाएंगे। इसके कारण से मेरी समझ में तो यही है कि अपना अलग अलग भी चुनाव लड़ते हैं, अपनी ताकत से लड़ते हैं, अगर जनता इनको प्रेफर करती है तो इनको खड़ा भी कर देती है, तो ये 20 30 50 सीट भी ले आएंगे तो उससे भी बीजेपी कमजोर हो जाएगी। अब बीजेपी को हराना तो मुश्किल ही है एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने श्याम दाम दंड भेद जितने अपना लिए हैं उनको देखते हुए इनको कमजोर करना, इनकी नीतियों को बताना पड़ेगा। पर ये जो विपक्ष वाले हैं ये पूरे भारत की बात करते हैं, खाली हमारे हरियाणा की बात नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। ये खाली हरियाणा की बात करें कि मनोहर लाल जी ने क्या किया, कहाँ नाच रहे हैं अभी, वो करनाल में जैसे नाच रहे हैं, ये सब बातें अगर पब्लिक को बताएं, पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, वहाँ कर्मचारी क्या हड़ताल कर रहे हैं, डॉक्टर क्या हड़ताल कर रहे हैं, वकील क्या हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ क्या देश की उन्नति हुई है, तो इनका फायदा हो सकता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रेम दर्शक हमारे साथ चेन्नई से जुड़े थे, जिसमें उनका कहना है कि बीजेपी पूरे भारत में एकजुट होकर यहाँ पर चुनाव लड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में यही कमी है, एकजुटता की कमी है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, गौतम इनका नाम है। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जनता विपक्ष चाहती नहीं है, विपक्ष हैरान और परेशान करता है, और बीजेपी कोई लड़े झगड़ा करके नहीं बनी है, वो अपने बलबूते पे बनी है, ये भी बात जनता को
जनता समझते हैं, अपने अपने विचार कोई भी प्रकट कैसे भी कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जनता चाहती नहीं है विपक्ष, विपक्ष से एक परेशान करता है, देश को आगे बढ़ने से पीछे खींचता है। जैसे कांग्रेस क्या कर रही है, पूरे देश में भ्रष्टाचार किया है, फिर भी कहते हैं मेरे साथ बदले की कार्रवाई है। ये बदले की कार्रवाई नहीं है, भ्रष्टाचार की कार्रवाई कर रही है। बीजेपी बहुत मजबूत है, देश को मजबूत करने के लिए बीजेपी का हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी है, मेरी यही राय है मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, अजय इनका नाम है। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? नमस्कार मैम जी। मैडम अगर बीजेपी कहती है कि मजबूत पक्ष नहीं है तो वो क्यों जन आशीर्वाद यात्रा खट्टर साहब कर रहे हैं, क्यों इतने करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं, क्यों लोगों के पास जाकर वोट मांग रहे हैं? तो इनको तो घर बैठ जाना चाहिए, घर पे वोट मिल जाएंगे इनको। तो इन्होंने चार बार हरियाणा को जला दिया, इनको पता है इन्होंने किसी को रोजगार दिया नहीं, इन्होंने कुछ हरियाणा के लिए काम किया नहीं, तो इनको इनको पता है कि आने वाला समय इनके लिए बिल्कुल धराशायी होने वाला है। ये लोग 10-15-20 सीटों पर ही सिमटने वाले हैं। इनको पता है कि विपक्ष में लोग अभी नीचे नीचे परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर आदमी परेशान है, किसी के पास पैसे नहीं है। अभी अभी निर्मला सीतारमण जी बयान दे रही है कि आर्थिक मंदी से तो पूरा विश्व जूझ रहा है। अरे उनको कोई समझाने वाला हो कि आज रुपया कितना गिर चुका है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, तभी तो जाके रोजगार बढ़ेंगे, तभी तो लोग वोट देंगे। तो वोट देने का फायदा क्या होता है? आम आदमी तो यही सोच के देता है वो सरकार उसके लिए कुछ करेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो नीलोखेड़ी से दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, इसमें उनका कहना है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो क्यों जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। तो आज का ये मुद्दा भी हमने उठाया है कि जिसमें अनिल जैन ने अपना बयान दिया है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, थोड़ा तो विपक्ष मजबूत हो जाती, और क्या हरियाणा में मजबूत विपक्ष नहीं है, ये कुछ सवाल हम उठा रहे हैं। लगातार आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, फोन नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, विनोद इनका नाम है। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? हाँ जी मैडम जी नमस्कार जी। मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा को आगे करती है तो कुछ चांस है, मतलब इनकी टक्कर ले सकते हैं जी। ठीक है मैम जी कहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो रोहतक से विनोद जी ने हमें फोन किया था। तो आज के कुछ सवाल हैं अनिल जैन के बयान को लेकर, क्या हरियाणा में विपक्ष मजबूत नहीं है, क्या बीजेपी के आगे धराशायी हो गया है विपक्ष, ये कुछ बड़े सवाल हैं। देश की आवाज में आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, एमपी शर्मा जिन्होंने हमें फोन किया है। एमपी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? नमस्ते मैडम जी। जी मैडम जी हरियाणा में तो देखो एक तरफा ही रहेगा, चाहे इलेक्शन कराओ या ना कराओ बीजेपी सरकार आएगी। वजह की हरियाणा के अंदर विकास का काम सिर्फ बंसीलाल जी ने करवाए थे, उसके बाद लूट खसोट जाम लगाना पेड़ काटना ये इन लोगों ने सिखाया, और भ्रष्टाचार का नियम रखी भजनलाल जी ने, और हुड्डा जी ने तो बिल्कुल सारी हदें पार कर दी। अशोक तंवर जी तो एक पुलिस के सिपाही भी नहीं है, वो तो होमगार्ड के कार्य कर्मचारी समझो। तो विपक्ष और जेजेपी है ये, इनकी कोई जगह ही नहीं बच रही आज तो। और जो हुड्डा साहब भी आज नाम के लिए मतलब प्रचार करेंगे, मैं खड़ा हूँ जिंदा हूँ, लेकिन ये अंदरूनी बीजेपी को ही वोट दिलवाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि तूने भ्रष्टाचार कर रखा है। और मोदी जी की ये अच्छी बात है, मार से कम है घसीट से ज्यादा है, कुलदीप बिश्नोई के ईडी के रेड करी, उनका लूट भी लिया, सांस भी नहीं निकाल रहा कुलदीप बिश्नोई, हाँ भी निकल रहा मेरा क्या लिया गिर क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो विपक्ष तो मतलब यहाँ हरियाणा में से बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए एमपी जी आपका। तो एमपी शर्मा दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें उनका कहना है कि विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रह गया हरियाणा में। एक और दर्शक जिन्होंने हमें फोन किया है, नागेंद्र इनका नाम है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? मैडम जी हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम आज जो हरियाणा की बाहर से स्थिति दिखाई दे रही है मौजूदा हालात में, अनिल जैन जी ने बिल्कुल सही और दुरुस्त फरमाया है, लेकिन कमजोर विपक्ष जो है वो लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई शुभ नहीं है। कमजोर विपक्ष नहीं बल्कि मैं जीरो विपक्ष कहूंगा,
ये स्पाइनलेस जो होते जा रहे हैं ये नंबरों का खेल है मैडम जी। लोकतंत्र में ये विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और शोक प्रकट करने आए वो प्रकाश सिंह बादल जी ने जो अपने हृदय उद्गार वहां पर प्रकट किए, हम उसका समर्थन करते हैं कि ताऊ के परिवार जी के परिवार को व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके एक हो जाना चाहिए, यही लोकतंत्र के लिए और हरियाणा के हित में जरूरी है। आज हरियाणा की स्थिति यह है कि कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, आप, जेपीपी, बीएसपी, इनेलो, ये बड़ी बुरी तरह बट गए हैं और ये बीजेपी जो है वो 60% से ऊपर चढ़ गई है। एक भी सीट नहीं आएगी अगर ये विपक्ष जो इस तरह से डिवाइड रहेगा, क्योंकि लोकसभा के जो चुनावों के जो आंकड़े दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं आज की तारीख में कि 80 से ऊपर जो सीटें हैं वो बन रही हैं। लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल जी ने जो अपनी रैली निकाली है, जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि 90 की 90 सीटें जो है वो ले जाएंगे। इसलिए ये विपक्ष जो है उसको बावक्त संभल जाना चाहिए और लोकतंत्र को, स्वस्थ लोकतंत्र को जो है हरियाणा में कायम होना चाहिए, यही देश के लिए और हरियाणा के लिए जरूरी है। जय हिंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो नागेंद्र दर्शक हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, जिसमें उनका कहना है कि जो अलग थलग पार्टियां हो गई है वही कमजोर विपक्ष का कारण है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, चंद्र प्रकाश इनका नाम है। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अशोक तंवर हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, इनकी वो बात है, कहावत है हमारे रिवाड़ी साइड में कि सांप का भाई गोहेरा, एक कूदे नौ दूसरा कूदे तेरा, तो इन दोनों की तो ये कहानी है। जहां तक हरियाणा के विकास की बात है, तो अभी मैंने टीवी पे न्यूज देखी कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि करनाल से इंद्री, इंद्री से यमुनानगर रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा, बिछाई जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक से जोड़ना हरियाणा को ये बहुत हित की बात है, क्योंकि जो दक्षिण हमारा, दक्षिण हरियाणा है जो वहां का मैं रहने वाला हूँ, रिवाड़ी का, रिवाड़ी का डायरेक्ट चंडीगढ़ से कनेक्शन नहीं है, रिवाड़ी से भिवानी, भिवानी से रोहतक और फिर आगे पानीपत होते हुए चंडीगढ़ जाओ, सीधी गाड़ी का जो जो है वो दो गाड़ी है चलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना विकास मनोहर लाल खट्टर ने किया है, अभी कोई भाई हमारा कह रहा था कि वहां से जो पाकिस्तान से आए हैं पंजाबी उनका समर्थन करते हैं, बिल्कुल गलत कहा उन्होंने, ये 36 बिरादरी को साथ लेकर के चल रहे हैं तभी ये 80 सीटों का दावा ठोक रहे हैं, इसे छाती ठोक के कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि 36 कौम इनके साथ है। सवाल ये नहीं है पंजाबी बिरादरी अगर पाकिस्तान से कोई आया है तो वो क्या इंसान नहीं है? क्या वो कोई वोटर नहीं है? पाकिस्तान से आया हुआ इंसान जितने उन लोगों ने मेहनत करी है, शायद जो भाई बोल रहा था उतना, उसको अगर पाकिस्तान भेज दिया जाए तो हफ्ते में वो ब्याह कर जाएगा, तो प्राण निकल जाएंगे। तो ये इस प्रकार लांछन लगाना किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये गलत है। पंजाबी आदमी भी इंसान है, कोई वो जानवर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका कहना है कि पक्ष विपक्ष अगर कमजोर हो मजबूत हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर जो योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर दिखाई देती है, यही कारण है कि वो सरकार को मजबूत बनाती है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, संजय जी ने हमें करनाल से फोन किया है। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कह रहा था विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं रही है, मतलब हरियाणा में विपक्ष तो रहा ही नहीं बिल्कुल। जो जन आशीर्वाद यात्रा जो मुख्यमंत्री जी की निकली थी हमारे यहाँ से, तो उसमें इतने बीजेपी के इतने मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत भारी। तो एक तरफा इलेक्शन हो रहा है मतलब सारे हरियाणा में, जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है जी, तो सभी जगह मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब विपक्ष तो रहा ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, राम सचदेवा जी ने हमें फोन किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? नमस्कार जी, कहते ना 1 2 11 3 33 4 44, लेकिन जब आपस में लड़ेंगे तब वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो युद्धा कहता मैं बड़ा हूँ, या मतलब इजालो वाले एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जो चार पन्न इकट्ठे नहीं होंगे, तो वो कैसे सरकार कैसे वो करेंगे हर चीज के कोई मतलब वो मजबूत, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, हर चीज की कोई गुंजाइश होती है कोई होती है। वो लास्ट में यही कहता हूँ 1 2 11 3 33 4 जी,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राम सचदेवा जी आपका। तो जिसमें उनका कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक और दर्शक ने हमें फोन किया है, योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी। जी जी मैडम जी, जो ये पक्ष है ये तो बिल्कुल खिंडा हुआ है ना, तो इनके आपस में भाईचारा बन रहा है ना इनका कोई मेल मिलाप हो रहा है, जिसके कारण ये कमजोर अपने आप खुद हो रहा है और जनता किसकी तरफ मुंह उठा के देखेगी भी कोई हमारी बात सुन ले, क्यों खट्टर सरकार तो सुनती नहीं है किसी की भी। बस यात्रा आगे ये बताओ कि अगर इन्होंने इतना विकास करा होता कि भी उज्ज्वल योजना, आयुष्मान योजना, डॉक्टरों के लिए, शिक्षा के लिए, सब कुछ के लिए सब बढ़िया काम कर रखा होता, तो ये अब घर घर जा जाके एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के क्यों कह रहे हैं? अभी एक दर्शक ने कहा कि भी पाकिस्तान से आते हैं क्या वो वोटर नहीं है या वो इंसान नहीं है, इसका मतलब कल वो आफिस सईद आतंकवादी वो भी इंडिया में आके कहते कि मैं भारतीय हूँ और यहाँ पे आके भी इलेक्शन लड़ूंगा, वोट करूंगा, वो भी भारतीय हो जाएगा। मतलब कि इनके कहने का ये मतलब है बलात्कारी इनकी पार्टी में आ जाए वो साफ हो जाए, भ्रष्टाचारी इनकी टीम पार्टी में आ जाओ गंगा से नहाए हो जाए, आतंकवादी इनकी पार्टी में आ जाओ गंगा नहाए हो जाए, और पूरा विपक्ष पूरा समाजवादी पार्टी लो, इनेलो या कोई भी हो वो सब आतंकवादी हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग है। बस भगवान की दया से तो यही बचे थे हमारे देश में, जिन्होंने 55 साल तो संविधान का तो मानना ही नहीं, 60-50 साल इन्होंने झंडे का अपमान करके रखा, तो आज ये हमें शिक्षा ज्ञान दे रहे कौन सी रेल कौन सा क्या, रोक लोगों की रोजगार जा रही है मैडम। अब कल भिवानी की बात है, आज की भिवानी की बात है, एक महिला की बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे थे उसके छेड़खानी के कारण, उस महिला की माँ ने, उस बच्ची की माँ ने SDM के सामने, ऑफिस के सामने खड़े होकर जहर खा लिया, तो बताओ बच्चियां कहाँ पे पढ़ेंगी, वो भी पाकिस्तान जाएं या अमेरिका में जाएं, तो ये बता दो कहाँ पे क्या करेंगे मैडम। लोगों की आंखें थोड़ी सी खुलनी चाहिए कि भी हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारी महिलाओं को सुरक्षित चाहिए, घर से थोड़ा निकल सके, ये चीजें चाहिए, किसानों को आय चाहिए, ये चीजें चाहिए, हमें ये थोड़ी चाहिए कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये फलाना है ये फलाना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका अपनी बात रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सिरसा से बलदेव ने हमें फोन किया है। बलदेव जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, जो चंद्र प्रकाश कह रहे थे कि पाकिस्तान से आए हुए आदमी नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब बंसीलाल और चौधरी देवलाल चौटाला साहब हुड्डा साहब थे, जब ये जाट जाट का वो कराया करते, जाटों का ये कर दिया वो कर दिया, जब जाट ने तो कभी ये नहीं कहा अभी ये लोग क्यों कर रहे, आज इनको ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम इन नेताओं ने कभी जात बात नहीं की, पर आज इनके मनोर कर रहे हैं, इसलिए इनको लब जाते ही पाकिस्तानी लब जाते ही इनको चीड़ लगने लग। जब ये नहीं कर रहे थे आ रहे, ये कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की पोस्टों पर हरियाणा पर जितने लगे हुए हैं ये पंजाबी बिरादरी के, इन्होंने लगा रखे हैं, क्यों लगा? उस टाइम अगर कोई एक जाट कहीं छोटी सी पोस्ट पर लग जाता था तो ये चिल्लाने लग जाते थे जाटों का ये कर दिया ये कर दिया। आज ये चंद्र प्रकाश से मैं पूछना चाहता हूँ, आज उस टाइम ये क्यों नहीं बोले भाई ये आदमी गलत कर रहे हैं, आज इनको बड़ा दुख आया है। तो इसके बारे में ये कि ये पहले चंद्र प्रकाश जी अपने गिरबान में जा के देखें भैया आज मनोहर सरकार क्या कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, जगदीश इनका नाम है। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? शायद संपर्क टूट गया, एक बार फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सवाल है अनिल जैन के बयान को लेकर है, जिसमें अनिल जैन ने कहा है कि विपक्ष थोड़ा तो मजबूत होती, तो इसे लेकर ये सवाल उठाए गए हैं, क्या हरियाणा में मजबूत विपक्ष नहीं है? लेकिन दूसरी तरफ अनिल जैन ने यह भी कहा है कि पी चिदंबरम पर जो कार्रवाई हुई है वो सरकार ने नहीं CBI ने की है, तो इस पर भी लगातार सवाल उठे हैं। तो ऐसे में अब हरियाणा विधानसभा जो चुनाव है वो नजदीक है, तो क्या कमजोर विपक्ष कैसे पार पाएगा? क्या विपक्ष ने BJP को वॉकओवर दिया है या फिर यूं कह ले कि मौका दे दिया है?